अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आज की ताज़ा तरीन वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज की वीडियो रिलेट कर रही है रमज़ान शॉपिंग के हवाले से, तो मैंने सोचा कि इसको जल्दी से एडिट करके और आपके साथ शेयर करूं। टर्की व्लॉग्स भी आपके साथ शेयर करती रहूंगी, उसमें भी अभी थोड़ा सा एडिटिंग का काम बाकी है, तो वो भी साथ साथ होते रहेंगे। और आज मेरे साथ चलिए और देखिए, मैं मौजूद हूं डॉलमिन मॉल क्लिफ्टन में। यहाँ हमने तकरीबन 4 घंटे गुजारे और पता ही नहीं चला, और बहुत अच्छा रोज़ा भी गुजर गया क्योंकि बीच में इफ्तार टाइम भी था और शॉपिंग भी की, खाया पिया भी, काफ़ी चीज़ें देखी और वीडियो भी बनाती जा रही थी मैं साथ साथ, तो बहुत इंजॉय भी किया। और ये है मेरी मोस्ट फेवरेट शॉप एथनिक। यहाँ के कलर्स, डिज़ाइंस और सॉलिड में बहुत ज़्यादा वैरायटी थी और फ्लोरल भी बहुत अच्छे अच्छे आए हुए हैं। रेडीमेड सूट्स में आजकल ये बड़ा इशू आया हुआ है कि इसकी साइज़ क्यों उन लोगों ने बढ़ा दी हैं, और स्मॉल एक्स्ट्रा स्मॉल में भी इतने लूज़ हैं कि वो आई गेस कोई भी बग़ैर ऑल्ट्रेशन के नहीं पहन सकता। क्योंकि अगर मेरा साइज़ मीडियम था तो अब मुझे एक्स्ट्रा स्मॉल या स्मॉल भी मैं ले रही हूँ तो वो भी बहुत ज़्यादा लूज़ हो रहे हैं। बस एथनिक के बाद इफ्तार टाइम हो चुका था तो हम लोग आ चुके हैं फूड कोर्ट में, और जल्दी से हमने ग्रीनो से ABC जूस ऑर्डर किया और वेनेलिस से पास्ता ऑर्डर किया। ये एक्चुअली कनाडा की फ़ूड चेन है और इटालियन फूड है। इनका कोई प्रॉपर आउटलेट नहीं है इस वक्त, जस्ट ये मॉल में सर्व करते हैं, एक डॉलमिन मॉल में और एक लकी वन मॉल में, जो कि इन्होंने खुद ही बताया। इट वॉज़ यम्मी, आई थॉट कि आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। एक सर्विंग के हिसाब से इनकी क्वांटिटी भी अच्छी है, हम 2 लोगों ने एक ही सर्विंग में सिखाया। रोज़ा खोलने के बाद अब एक और राउंड लेना था और अभी कुछ चीज़ें भी लेनी थी, तो हम लोग दोबारा निकल पड़े। और दिल चाह रहा था कि आखिर में जब हम कुछ शॉपिंग के बाद एक दफ़ा फिर से फूड कोर्ट का चक्कर लगाएंगे, क्योंकि एकदम से सब कुछ नहीं खाया जाता, तो थोड़ा थोड़ा करके ही खाना था। यहाँ हम ढूंढ रहे थे लाइम लाइट को कि ये फ़र्स्ट फ्लोर पर ही था, मगर हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये शॉप किस तरफ है। सामने ही नज़र आ गया है मिनीसो, और ये हो ही नहीं सकता कि मिनीसो नज़र आए और इसके अंदर ना जाए, और इतनी क्यूट क्यूट चीज़ों को एक दफ़ा देख के राउंड लेके। और फिर हमें जाना है स्टाइलो, जहाँ से मुझे लेना है अपना एक फुटवेयर। ये हैं सेंटेड कैंडल्स, ये फुटवेयर हो गया है डन और बहुत ही कंफर्टेबल और सॉफ्ट है। अब वापस आ चुके हैं फूड कोर्ट में। घर जाने से पहले हम लोगों को पीनी थी बॉबा टी, और मैं तो ये फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही थी, तो देखते हैं कि ये कैसे बनती है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। स्ट्रॉबेरी के साथ पीच कर दें, ऑर्डर देने से पहले अच्छी तरह से मालूमात हासिल कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें ये लोग डालने वाले हैं और क्या चीज़ अवेलेबल है, क्या चीज़ अवेलेबल नहीं है। टर्की का सामान है आपके पास? ये कुछ टर्की से इंपोर्ट की हुई चीज़ें हैं। अच्छा, ये कितने का है? कारपेट है ना? कितने का? 7,500 का है। 7,000, इसकी साइज दिखाएंगे।
और ये 9,900 950। ठीक है, ये क्यूट है बैग बहुत। बस जनाब, अब हम फूड कोर्ट से जाएंगे नीचे और केयरफोर से थोड़ी सी ग्रॉसरी लेनी है और उसके बाद जाएंगे सीधा घर की तरफ। इसमें से आपको कौन सा पसंद है? ग्रॉसरी तो हो गई डन और अब जाते जाते ये नज़र पड़ी है एक छोटे से फूलों के शहर पे, जो कि तमाम आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं मगर बहुत ही खूबसूरत एरिया बनाया हुआ है इन्होंने, तो इसे भी देख लेते हैं। आज की वीडियो करते हैं यहाँ पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।